बाप का रिश्ता भी किसी से कम नहीं होता, बाप के होते हुए कोई गम नहीं होता। बाप साया है, बाप दुखों की ढाल है, बाप के ये बगैर ये जिंदगी निढाल है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद जन्नत के दरवाज़ों में सबसे अच्छा दरवाज़ा है, अब अगर तू चाहे तो उसकी हिफाजत कर या उसे ज़ाया कर दे। बाप जन्नत का आला दरवाज़ा है, औलाद के लिए सरपरस्ते आला है, औलाद की मोहब्बतों का गहवारा है, अल्लाह की रहमत का साया है, अल्लाह की खुशनूदी का ज़रिया है, अल्लाह की सिफत रबूबियत का मज़र है, दुनिया में औलाद के लिए बेहतरीन रसाई और सहारा है। अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्र है कि उसने माँ बाप में से अक्सर बाप को सख्त तबीयत बनाया है, अगर ऐसा ना होता तो बच्चे शैतान के फंदे में फंस जाते। माँ को चांदनी की तरह ठंडा बनाया और बाप को सूरज की तरह गर्म बनाया। ये फिजाने नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। माँ अगर जन्नत है तो बाप आला दरवाज़ा है, माँ जन्म देती है तो बाप जिंदगी देता है, माँ चलना सिखाती है तो बाप दौड़ना सिखाता है, माँ खड़ा होना सिखाती है तो बाप खड़ा रहना सिखाता है, माँ बच्चे की हिफाजत करती है तो बाप दोनों की हिफाजत करता है, माँ घर सजाती है तो बाप घर बनाता है, माँ की गोद मदरसा है तो बाप उसकी इमारत है, माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप ही उसे जन्नत देता है, माँ बहुत ही शफीक होती है तो बाप बहुत मेहरबान होता है। इसलिए हुज़ूर अकरम खातमुन्नबीयीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है। अलगर्ज़ वालदैन के हकूक़ की अदायगी दुनिया में तमानियत, ख़ानदान की सकीनत और आखिरत में जन्नत की ज़मानत है। हमारे माशरे में मौजूदा इंतशार की एक वजह वालदैन के हकूक़ की अदम अदायगी भी है। अल्लाह ताला नौजवान नस्ल को वालदैन की अतात, खिदमत और इज़्ज़त और एहतराम की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बाप के दम से हैं सब खुशियाँ ज़माने की, बाप के दम से हैं सब खुशियाँ ज़माने की, बाप ना हो तो जगह नहीं मिलती सर छुपाने की।